देश भर के साथ ही सीआरपीएफ की जन्मस्थल नीमच में भी लोग इस घटना को लेकर काफी आहत हुए हैं और आज यहाँ नीमच को स्वैच्छिक बंद रखकर लोगों ने अपना विरोध भी पुलवामा की आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर जताया। आज सुबह से ही कई चाय नाश्ते की दुकानें तक यहाँ खुली नहीं और लोग चाय पानी तक के लिए तरसते देखने को मिले। बाजार में भी सुबह से ही सन्नाटा सा पसरा नजर आया। आज जो ये परसों जो घटना हुई है पुलवामा में, उसमें जो हमारे 50 के लगभग सैनिकों की मौत हो चुकी है उसके विरोध में, और जो इस घटना का पूरे देश में जो विरोध है, कल नीमच में भी लोगों ने और कई स्वयंसेवी संगठनों ने मोमबत्ती लगाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज सुबह से नीमच में लोग चाय और नाश्ते के लिए तरस गए हैं। किसी भी पार्टी का ये बंद नहीं है, लेकिन लोगों ने स्वेच्छा से देश प्रेम के प्रति अपना भाव व्यक्त और सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए बंद किया है। हम भी इस बंद का समर्थन करते हैं। हाँ है तो इसीलिए, और तो कोई कारण बनता नहीं है। बंद होने का कारण यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है और पाकिस्तान से जो है हमारे जो पाकिस्तान ने हमारे जो शहीद जवानों को शहीद किया है उससे हमें आहत होने से हमारे जो राष्ट्रीयता है और वो बात है, उसकी वजह से बंद रखना स्वाभाविक। पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक माहौल बनेगा, वो आक्रोश है वो भारत सरकार को